हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं मयंक दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम कंटिन्यूअस वीडियो बनाएंगे, कंटिन्यू आपके लिए अपडेट देते रहेंगे। तो आज मैं आपके सामने आज रेलवे ग्रुप डी स्पेशल बैच फॉर 15 डेज की क्लासेस में पांचवा लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले भी हमने रेलवे ग्रुप डी पर 15 से 20 लेक्चर अपलोड कर चुके थे। अब मैंने टारगेट 15 डेज बनाना स्टार्ट किया है, तो उसकी पांचवी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, जीव विज्ञान से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। तो भाई, थकान क्यों महसूस करते हैं हम? कई बार जब हम स्पोर्ट्स खेल के आते हैं या बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है, हमारी बॉडी काफी टायर्ड हो जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन मैं देखूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये होते हैं डेंटाइन के। देखो, हम लोग कई बार गलत आंसर कैसे दे देते हैं, ऑप्शन में लिखा रहता है कैल्शियम या कोई और तत्व, तो वहां पर हम मिस्टेक कर देते हैं, और ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। हम सोचते हैं कैल्शियम से दांत स्ट्रांग होते, भाई वो अच्छे होते हैं दांत उस चीज से, लेकिन ये नहीं है कि वो उससे मिलकर बने होते। सबसे ज्यादा वो पाया जाता है, इसमें पाया जाता है डेंटाइन। किसके बने होते हैं? डेंटाइन। अगला प्रश्न देखें, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम, सुना ही होगा आप लोगों ने, पैरामीशियम एक ऐसा जंतु है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? भाई केंचुए की आंखें होती हैं क्या, बताओ, किसी को भी कोई आइडिया है? केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है, मतलब वो ब्लाइंड होता है, उसकी आंखें नहीं होती हैं। चलिए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आपको गाजर से ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वो मिलता है विटामिन ए। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, निम्न में से कौन से पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? राइस। राइस में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। राइस में क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा मात्रा में होता है आपके राइस में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1350 ग्राम का। कितने ग्राम का? 1350 ग्राम का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो हाँ, लोहा, इवन गोल्ड। अगर आपसे बोला जाए क्या हमारी बॉडी में गोल्ड पाया जाता है, हाँ, तो हम बोलेंगे हाँ पाया जाता है। बहुत कम परसेंटेज में होता है, लेकिन हमारी बॉडी में भी सोना तत्व पाया जाता है। बहुत ही स्ट्रेंज बात है, लेकिन ऐसा सच है। अगला क्वेश्चन मैं देखूंगा, किण्वन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना। मैं आपको बता रहा हूं कि किण्वन जो उदाहरण है इसके कौन कौन से है। किण्वन का उदाहरण, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे उदाहरण किसके हैं? किण्वन के हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? अगर मैं बोलूं, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, अगर पोषक तत्व की बात की जाएगी तो पनीर से काफी मात्रा में आपको पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है? आपके ऑप्शन में जैसे रहता पनीर, और बहुत सारे ऑप्शन अलग भी हो सकते थे उसमें। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल आपका लौकी, पनीर, ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ दही, और बोला जाए चावल, तो आपका आंसर क्या होगा? पनीर। पनीर आपका आंसर है, पनीर से आपको बहुत ज्यादा पोषक तत्व मिलता है। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली को हम भाई किस नाम से जानते हैं? ड्रेको। ड्रेको एक ऐसी छिपकली है जो उड़ सकती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। इंडिया में ही पाया जाता है, बहुत बड़ा सांप है। अगर देखा जाए स्नेक्स में, हम अजगर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा जो सांप होता है वो होता है आपका
किंग कोबरा। किंग कोबरा सबसे बड़ा सांप है और अगर बोला जाए इसकी सबसे घोंसला बनाने वाला तो ये एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बना के रहता है। अब जो आपका और क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे जीवों से रिलेटेड ही, तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है वेल शार्क। कौन सी? वेल शार्क। दालें किसका अच्छा स्रोत है, मतलब दालों में बहुत प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है भाई? तो प्रोटीन जरूर खाया करिए, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? अब देखो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पता बहुत कम लोगों को होता है। ये है डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण? डाई एसिटिल के कारण आपकी सुगंध उसमें आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। किसका विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो थोड़ा क्वेश्चन है आपका अगर देखा जाए जंतु जगत से थोड़ा अलग है लेकिन हम देखें जेएल बेयर्ड ने। किसने? जेएल बेयर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ये भी आपका जो आया है थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिक्सचर है, उसका ही क्वेश्चन हो गया है। हम ज्यादातर जो क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं वो जीव विज्ञान के आपके। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। क्या पाया जाता है? मीथेन। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध जो आपका होता है मिल्क, उसकी शुद्धता का जब प्योरिटी का आप टेस्ट करते हो तो किससे करते हो? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये थोड़ा केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? भाई हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर देखा जाए कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। कौन से ऊतक करते भाई हमारे लिए? जो आप बोलते हो ना सुरक्षा, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कहां से काम होता है आपका? कहां से कौन करता है? एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो भाई अगर आपसे पूछा जाए हॉर्स, ओके, डॉग्स, आपका काऊ, बफेलो, तो कौन है सबसे पहले? डॉग। डॉग को सबसे पहले अपना पालतू जंतु। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? किसने पिघलाया था सबसे पहले घिसकर? डेवी। इनका नाम क्या है? डेवी, मिस्टर डेवी ने। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो भाई ये पूछा गया है जानवरों में अगर देखा जाए तो किसकी दहाड़? तो बाघ की दहाड़ बहुत ज्यादा तेज होती है। अब बाघ का क्वेश्चन आया ही है तो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैट कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी अगर देखा जाए बिल्ली कौन सी है? तो वो है साइबेरियन टाइगर। आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर, साइबेरियन टाइगर है ना। एशियन टाइगर तो वो कहलाएगा ही लेकिन साइबेरियन टाइगर है वो, इंडियन टाइगर नहीं है। जो हम बोलते हैं ना बंगाल टाइगर, नहीं, बंगाल टाइगर का साइज नहीं होता सबसे बड़ा। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है ऊर्जा, सबसे बड़ी बात है एनर्जी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उसे हम कहते हैं किरीट। जो पार्ट दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? किरीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो भाई आपके होते हैं 7 रंग। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? ये हैं आपके शोल्स। कौन है? शोल्स। सिरका को लेटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। लेटिन भाषा में सिरका क्या कहलाता है आपका? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई अगर आपको जंग के धब्बे हटाने अपने कपड़ों से, आप यूज करोगे ऑक्सैलिक एसिड का। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। इसका आंसर क्या है? कवक, कवकों के द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ये है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं हम इसे, मैंगीफेरा। मैंगो को क्या कहा जाता है? मैंगीफेरा इंडिका। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है कहां से? जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आप बोलोगे विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपका
आंवला। तो ये थे आपके मोस्टली जो क्वेश्चन हमने शेयर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो थे जीव विज्ञान से रिलेटेड। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए जो कि केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी फिजिक्स को भी पार्ट को काफी हद तक उन्होंने टच किया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट है 40 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो बहुत अच्छा है, आपको पसंद आया, तो जरूर कमेंट करें और लाइक भी करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।